ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात आप तक पहुंच रही हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर के जरिए। और दोस्तों, अब बातें कुछ सेहत के हवाले से। चलिए पहले आपके हालचाल पूछ लेते हैं। हालचाल तो उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम सामेन के बहुत अच्छे होंगे, सभी खुश खुर्रम होंगे और अपनी जिंदगी में मसरूफ होंगे। जिंदगी में मसरूफ होने से याद आया कि हर इंसान की ये कोशिश होती है कि वो अपने आप को या खुद को कामयाबी के लिए तैयार कर रहा है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। एक तालिबे इल्म जहाँ अपनी इम्तिहान की तैयारी करता है, उसमें कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहता है, कामयाबी हासिल करना चाहता है, वहीं जनाब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में मुनाफा कमाना चाहता है, और हम सब लोग एक बेहतर ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और उसमें मसरूफ़ हैं। लेकिन जनाब, कामयाबी की इस रेस में हम कब टेंशन की चपेट में आ जाते हैं पता नहीं चलता। वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र में हैं तो नौजवान अपने करियर की, कोई अपने रिलेशनशिप को लेकर मुतमईन नहीं है तो कोई अपने जॉब से परेशान है। यानी कहने का मकसद यह है दोस्तों कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी टेंशन में बिता रहे हैं। लोगों के पास तमाम सहूलियात हैं, ऐशो इशरत है, उसके बावजूद भी वो तनाव में है, स्ट्रेस है, और स्ट्रेस बढ़ने से कई तरह के अमराज जो है वो सामने आते हैं, जिसमें फिक्रमंद रहना, हिस्ट्रिया, डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर वगैरह शामिल हो जाते हैं। अब ये तनाव जो है, इसको कैसे आप कहेंगे कि ये तनाव है अगर आपको हो जाता है। ये जो टेंशन है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि नींद आपके गायब रहने लगती है, आपका जो निज़ाम हाजमा है वो भी मुतासिर होता है, और खून का जो बहाव है, खून का जो दौरान है, वो भी ठीक नहीं रहता। कभी कभी वज़न भी कम हो जाता है, दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। लेकिन ये दिल का धड़कना जो है मोहब्बत के लिए नहीं, परेशानी का बाइस होता है। अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, थकान महसूस करते हैं आप, जी उदास रहता है, सांसें अचानक तेज़ हो जाती हैं। लेकिन ये सांसें तेज़ इसलिए नहीं होती कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत खूबसूरत इंसान आ गया, आपका हमदर्द, आपका दोस्त आ गया। यहाँ बात दरअसल बिल्कुल अलग है कि सांसें तेज़ होती हैं घबराहट से। अब देखिए, ये तनाव या टेंशन तो हो जाता है, लेकिन इसको दूर करने का भी तो कोई ज़रिया होगा। बिल्कुल जनाब, कुछ तरीक़ाकार हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में अपना कर इस टेंशन से निजात पा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सही लाइफस्टाइल को आपको मुंतखब करना चाहिए। हमारी जो ज़िंदगी है उसमें कामयाबी मिले ये तो ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हम जो काम कर रहे हैं, क्या हम उससे मुतमईन हैं? हम बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद भी मुतमईन नहीं होते। लेकिन जनाब, ऐसा करने के लिए अपने आप का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और वक्त पर काम करें, वक्त पर सोएं, वक्त पर उठें, और उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कुछ ऐसी ग़िज़ा को अपने नाश्ते में शामिल करें जिसमें ग़िज़ाइत भरपूर होनी चाहिए, और किसी डाइटिशियन से या फिर एक्सपर्ट से आप सलाह भी ले सकते हैं। अपने ताल्लुकात जो है उनको उस्तवार रखें, अपनी सोच को हमेशा मुस्बत बनाएं, और ख़ुद के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालिए, क्योंकि हम दूसरों के लिए तो वक्त निकालते ही हैं, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए। और हमें सोचना चाहिए जनाब कि आखिर हमारी ज़िंदगी किस ढर्रे पर जा रही है, और जो आपके अजीज़ व अकारिब हैं उनकी खुशियों में भी शामिल हुआ करें जनाब, उनसे भी हालचाल जानते रहा करें, और दूसरों की मदद करके जो सुकून हासिल होता है वो काम भी बहुत ज़रूरी है, इससे भी आपका टेंशन दूर हो सकता है। और देखिए, सुबह सवेरे उठना जो है हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है, और अगर आप देर से उठते हैं तो सुबह की जो ताजगी है उससे भी महरूम रह जाते हैं, सुबह की जो नेमतें हैं वो हमसे दूर हो जाती हैं, कुदरत के वो मनाजिर हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि सूरज की तमाज़त जो है वो बढ़ने लगती है अगर गर्मियों की बात की जाए तो।
और सुबह की जो खुशगवारी है वो आपको भी कहीं ना कहीं खुशगवार बनाती है, आपका मूड भी बहुत अच्छा करती है। दोस्तों से बात किया करें, उनके हालचाल पूछा करें, और कभी कभी ऐसा कर लिया करें कि फ़ोन बुक निकाल लिया करें और सोचा करें कि इस दोस्त को मैंने कब से फ़ोन नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात जो है, एक्सरसाइज कीजिए और जो मनुष्यात हैं उनसे दूरी बनाकर रखिए, इनको अपने पास बिल्कुल मत आने दीजिए। कुछ और बातें होंगी टेंशन को दूर करने के हवाले से किसी और प्रोग्राम में। आज के लिए बस इतना ही। रहिए हमेशा होशो खुर्रम और सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो से उर्दू सर्विस की नशियात।